कि वो सनातन तो कोरोना रे बराबर है, धर्म पर हमला हो रहा है, इसलिए धर्म के विरुद्ध में हो रहे संघर्ष का चुनाव, ये चुनाव एक धर्म युद्ध के बराबर चुनाव। शितोती को भारत अड़ो खेड़ो है सोनरी चिड़िया है, वो हिंदू धर्म जो है, वो सनातन धर्म जो है, वो मलेरिया रे बराबर है, कैंसर रे बराबर, इन्हें फटाफट खत्म करना चाहिए। भारत में आक्रमण करने वास्ते, भारत की संपत्ति ने लूटने वास्ते, भारत का ज्ञान और संपदा ने नष्ट करने वास्ते, भारत का इन सनातन ने खंडित करने वास्ते, आप छाती माते वहां हमला ने जेल, इन सनातन ने जिंदा रखे। वो सनातन तो डेंगू रे बराबर है, ये चुनाव एक धर्म युद्ध के बराबर चुनाव, जिस चुनाव में हमको एक झूठ को हरा करके सत्य को जिताना है, जिस चुनाव में भ्रष्टाचार को हटा करके सुशासन को लाना है, उसके लिए ये चुनाव। और इन सब से आगे बढ़ करके हमारे बाबू जी बात करता अपर हमें कि सनातन पर जिन तरह की चोट हुई, इन हिंदुस्तान की बौद्धिक संपदा, इन हिंदुस्तान रो ज्ञान हजारों सालों दुनिया अन्य तरफ देखती, अन्य तरफ आकर्षित होती, को भारत अड़ो खेड़ो है सोनरी चिड़िया है, आक्रांता भारत में आता, भारत में आक्रमण करने वास्ते, भारत की संपत्ति ने लूटने वास्ते, भारत का ज्ञान और संपदा ने नष्ट करने वास्ते, भारत का इन सनातन ने खंडित करने वास्ते हजारों साल तक भारत पर आक्रमण हुआ। चंगेज खान आया, यूनानी आया, सिकंदर आया, खिलजी आया, तुगलक आया, खालिज आया, खलीफा आया, अरब आया, पठान आया, सैयद आया, गुलाम आया, और हमारे बाद में मुगल वंश आयो। राजस्थान रा वीर बांकुरा आप छाती माते वहां हमला ने जेल, इन सनातन ने जिंदा रखे। माता मां बहन आप पुत्रा ने सनातन रे उन लड़ाई में होत दिया, तीन तीन पीढ़ियां होन दी, जब जारो सनातन धर्म जिंदा रहे। और आज इन सनातन माते हमलो कर रहे कांग्रेस रा लोग, वे खड़गे साहब आज जोधपुर में आयोड़ है, वे कह रहे हैं कि सनात हिंद मोदी जीत गया तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। और हमारा एक सहयोगी कह रहा है कि वो सनातन तो कोरोना रे बराबर है, वो सनातन तो डेंगू रे बराबर है, वो हिंदू धर्म जो है, वो सनातन धर्म जो है, वो मलेरिया रे बराबर है, कैंसर रे बराबर, इन्हें फटाफट खत्म करना चाहिए। मैं आज आप लोगों ने पूछना चाहूं, आप वहां लोगों की औलाद हैं, जितना लोग इतने बैठा है कोई जाति समाज रे होला, क्योंकि सबरा बड़ेरा बलिदान करियो इन सनातन ने बचाने वास्ते। मैं आज आपने पूछना चाहूं कि जिन सनातन ने हजारों साल तक माथा दे दे रापा रा बडेरा जिंदा रखियो, आप भी सनातन ने एक वोट दे ठीक जगह पर जिंदा नहीं रख सका। मित्रों एक कवि ने कहा है कि सीने से चौड़ी, कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, धर्म से जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये धर्म पर हमला हो रहा है, इसलिए धर्म के विरुद्ध में हो रहे संघर्ष का चुनाव। और मैं इसीलिए आप सबसे आग्रह करने के लिए आए कि इस चुनाव को धर्म युद्ध मानिए, असत्य पर सत्य की जीत का। सामने दिवाली का त्यौहार आ रहा है, जो असत्य पर जीत के सत्य की जीत का पर्व है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करते हुए आज ये कहता हूं कि एक दिवाली हम जो है 12 तारीख को मनाएंगे, लेकिन हम सब लोग दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे। जिस दिन यहां परिणाम आएगा, जिस दिन यहां परिणाम आएगा, विजयादशमी का उत्सव गया है, दशहरे के दिन रावण जला था, और दशहरे के दिन हम इस कांग्रेस के रावण को यहां 25 नवंबर को जलाएंगे वोट दे देकर।